माय चैनल पे गाइस आर डूइंग वेल। ये 2024 का फर्स्ट व्लॉग होने वाला है। हम लोग जाने वाले हैं कहीं पे घूमने के लिए एंड ऑफ कोर्स जो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करा होगा उसको पता चल गया होगा मैं कहाँ जा रही हूँ। बट बाय द वे मैं उतना सस्पेंस तो नहीं रखना चाहती हूँ, मैं बता देती हूँ। हम लोग जा रहे हैं ऊटी और मैं अभी फिलहाल पैकिंग जस्ट स्टार्ट कर रही थी, फिर मुझे राजा ने बोला कि हमको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा। देन आई वॉज लाइक ओके लेट मी क्विकली फिनिश ऑल माई वर्क्स, जब तक मैं अपना पैकिंग सब कम्प्लीट कर लेती हूँ तब तक राजा भी आ जाएगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि राजा और मैं न्यू ईयर के दिन कहीं पे घूमने जा रहे हैं, वो प्लान सक्सेसफुल रह रहा है बिकॉज एट द लास्ट मोमेंट हम लोगों ने सब कुछ प्लान किया था। नेवर एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग ऑन न्यू ईयर बिकॉज मैं हमेशा पीजी में रहती थी, तो आई यूज टू स्टे इन पीजी एंड आई यूज टू स्लीप एंड आई यूज टू स्क्रॉल ऑन इंस्टाग्राम एंड देन मैं सब देखती थी कि सब कोई कहीं जा रहा है, पता नहीं मैं कब जाऊंगी। एंड फाइनली दैट डे हैज कम गाइज, तो होपफुली आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अब मैं कट करती हूँ और स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग द ब्लॉग। रात का बज गया है एक, अब बस 10-15 मिनट में मैं राजा को उठा दूंगी, बट उससे पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ। उससे पहले मैं रेडी हो जाऊँ बिकॉज उसको अगर उठा दिया और फिर मैं रेडी नहीं हुई तो फिर अर्ली मॉर्निंग का टाइम है ना, चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 1:30 हम लोग निकलने का यहाँ से कोशिश करेंगे। तो रात को 2 बज गए और हम लोग अभी निकल रहे हैं। बहुत देर हो चुकी थी गाड़ी चलाते चलाते, इसलिए हम लोगों ने एक जगह पे रोक लिया चाय पीने के लिए। कसम से गाइस बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी है। फिर मैंने यहाँ पे बिलिंग करवाते वक्त लेस उठा लिया था क्योंकि मुझे खाने का बहुत मन कर रहा था। तो हम लोग चाय पीने के लिए बाहर निकले थे, बहुत ठंड है। हम लोग अभी तक पहुँचे भी नहीं हमारे डेस्टिनेशन की तरफ, मैसूर भी नहीं पहुँचे हम लोग अभी तक, बहुत बहुत ठंड है। मैं तो कांप रही थी, मैं बोल रही थी राजा को मेरे से ये ठंड नहीं बर्दाश्त और ये आगे कैसे होगा। बाहर कितना तेज से गाड़ी जा रहा है ना, कितना स्पीड में जुई जुई करके। चाय पीकर तुम मेरा वेट कर रहे हो, मैं चाय जब पीऊंगी हाँ, तभी गाड़ी चलेगी। ठीक है पी लेते। मैसूर पहुंच गए हैं, टोल गेट अभी क्रॉस किया है हम लोगों ने और राजा कितना स्पीड चला रहा है देखो, 2.5 घंटा में पहुंचा दिया है, 2 घंटा राजा 2 घंटा में मैसूर पहुंचा दिया। यही फायदा होता है सुबह सुबह आने का। अभी हम लोग को और कवर करना है 158 किलोमीटर, 349 दिखा रहा है, 349 आवर्स तक हम लोग पहुँचाएंगे हमारे डेस्टिनेशन पर। पर अगर बीच में ब्रेक लेना होगा हम लोग को तो हम लोग वो भी ले लेंगे। बांदीपुर फॉरेस्ट हमको यहाँ से दिखा रहा है 50 किलोमीटर्स। दीपुर फॉरेस्ट का जो एंट्री चेक पॉइंट है वो खुलता है 6:00, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं। जब भी यहाँ पे एकदम टेढ़ा करके सो गए और मैं भी अभी सोने जा रही हूँ, तो हम लोग हो सकता है डायरेक्टली आपको बांदीपुर फॉरेस्ट में मिले। सो स्टे ट्यून। हम लोग बहुत ज़्यादा सो गए, हम लोग को 6:00 उठ जाना था बट अभी 7:00 हो गया, पूरा ओस बन गया। देखो भाई पता है बहुत सारा गाड़ी पार हो रहा है एक एक करके बहुत सारा, हम लोग कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैफिक में फंस जाए। बहुत ही ओस हो रखी है। राजा और मैं अब आए हैं चाय पीने के लिए बाहर निकल कर। भाई साहब मैंने जैकेट पहन लिया है, मुझे चाय पीना था। इतना खोए रही थी ना तू, नींद खुला तुम्हारा पहले वो बताओ। खुला देखा कितना सारा गाड़ी जा रहा है कैसे जुई जुई करके राजा। यहाँ पे अभी बस आई है, इतने सारे लोग निकले। चलो फिटू चलते हैं, लेट्स गो। थोड़ा सा शीशा भी साफ कर लो। मैं भी चाय पी लेती हूँ। हाँ पी लूंगी, नहीं कुछ नहीं खाऊंगी बस चाय पीने। राजा के कब से एक सिप मैंने लिया तो फिर बहुत ज़्यादा ही मीठा हुआ यार। कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं तो चाय मिलना बहुत मुश्किल है अच्छी वाली, पर राजा तो कहीं पे भी पी लेता, कहीं पे भी कैसे भी चाय हो। बांदीपुर
चेक पोस्ट आ गया है एंड ट्रैफिक तो देखिए मूविंग ट्रैफिक है। उधर तक है ना क्यूटू बस, खाली ज्यादा लंबा ट्रैफिक नहीं है ना, नहीं, नहीं। बस इधर तक ही है। अच्छा वो खिड़की बंद कर लिया, क्यूटू बंदर है यार यहाँ पे तो। हम लोग बंदीपुर फॉरेस्ट गेट के बाहर खड़े थे, बंदरों ने काफी ज्यादा एंटरटेन किया हमें। टिकट्स कलेक्ट कर अब हम लोग एंटर करते हैं फॉरेस्ट में। अभी तक तो हमारी जर्नी काफी स्मूथ जा रही है, आगे देखते हैं होता है क्या। बंदीपुर फॉरेस्ट एंटर कर चुके हैं। मैं जब व्लॉग लेती हूँ पता ही नहीं तब क्यों गंदा रास्ता आता है। एंट्री करने के लिए 20 रुपीज चार्जेस लगता है। हम लोग रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो क्यों ना हम लोग आपको नजारा दिखाते दिखाते चले। यहाँ से जिन्हें सफारी करनी हो बंदीपुर फॉरेस्ट की बुकिंग वहीं से की जाती है, हमने तो कभी किया नहीं, मे भी हो सकता है फ्यूचर में कभी करें हम लोग। ₹30 देना है एंट्री। वो यहाँ पे हमारा चेकिंग होगा क्या? जो भी ट्रैवल कर रहे हो मधुमलई टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में, वहाँ पे आपके पूरे सामान की चेकिंग की जा सकती है एंड अगर कुछ भी उन्हें सस्पिशियस लगे तो आपको रोक सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं यहाँ से। ये सारा चेकिंग इन लोगों का तो क्या बाप रे, जबरदस्त चेकिंग हो रहा है। कैसा लग रहा है घाट पे चढ़ा के? अरे एकदम क्लास वन घाट। बहुत डर लग रहा है राजा को वैसे तो, बहुत क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा घाट है यहाँ पे। हम लोग एक स्पॉट पे गाड़ी को रोक दिए है घाट पे चढ़ते चढ़ते, क्योंकि मैं बोल रही थी राजा को कि थोड़ा व्यू भी देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पे सबको ही रोक रहा है पर हमें मिल नहीं पा रहा है क्योंकि पार्किंग स्पॉट नहीं है, तो हम लोग रोक दिए यहाँ पे। लाइट से पहले ही घाट क्रॉस करना चाहता हूँ, मेरे को लाइट लगाना ही नहीं है घाट में। चलो अब निकलते हैं। Which is a kind of homestay बोल सकते हैं उसको। It is Fab Escape Saint Cloud। अभी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा देर में, just let me also have a quick look at it कि कैसा है। मस्त लग रहा है यहाँ से तो, पर let's see how the property is। सत्या सत्या या तो पैसा आपका जो पैसा पेड किया वो रिफंड हो जाएगा या तो दूसरा आपको होटल को पेड कर देगा, ये बोल रहा हूँ सर। अभी मेरे पास चार चेकआउट हो रहा है, चार फुल पेमेंट डाला हुआ है। तो हमने थोड़ी ना हाफ पेमेंट, हमने भी फुल पेमेंट किया है। आपको कुछ फायदा नहीं है, मैंने बोल दिया मेरे पास रूम अवेलेबल नहीं है, आपको मैं स्किन करके भेज दे रहा हूँ लड़के को, आपको देख लीजिए वहाँ पे पे होटल लिखा हुआ है। ठीक है सर, आपको जो जिस साइड से बुकिंग किया था उस साइड से आप बात कर लीजिए, मैं यही तो बोल रहा हूँ। अगर कुणाल जी मेरा बुकिंग था यहाँ पर, अभी वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं है, पर हमने पेमेंट, मैंने तो पेमेंट कर दिया था ना। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सर, 30 तारीख को हमारा एक कल आपका पेमेंट रिसीव होता है, इतना समय दीजिएगा, मैं भी हमारी ग्राउंड टीम और होटल से पर कॉन्टेक्ट करके आपको वो गाइडेंस में प्रोवाइड करवा दें या फिर नियर बाय के लिए आपको सजेस्ट करते हैं। मुझे 2 से 5 मिनट तक लगते हैं। आर एग्जीक्यूटिव इज करंटली वर्किंग ऑन योर क्वेरी एंड विल बी बैक विद यू सून। We appreciate your patience.
No, why 24 hour? If you are not going to give the room, then why 24 hour? Why should I will wait for the 24 hours for the payment? जब payment लेना था आपको तो उसी time ले लिए. 5 to 7 working days का time period बताया था. Banking time period है, maximum time period होता है इसके अंदर अगर कभी भी आपका amount आपके account में credit होता है. 5 to 7 working days बोल रहे हो. 5 to 7 working days. जी sir. वो मुझे 24. क्या पागल हो क्या? आप रूम नहीं दोगे, कंफर्मेशन नहीं दोगे, फिर आप ऐसे बोलोगे कि हम 5 to 7 वर्किंग डेज में देंगे? नहीं क्यों, मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई क्यों, जब आपको रूम देना नहीं था, हम 400 किलोमीटर रन करके आए हैं, पेमेंट भी करके आए, तभी आप कल क्यों कैंसिल नहीं किया? आप सॉरी बोलोगे तो मैं सॉरी का क्या करूंगा ये बताओ मुझे. भाई मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे रूम चाहिए? आपको रात को हम ट्रैवल किए हैं, पूरे रात ट्रैवल किए हैं, अभी आप बोलोगे कि रात को कैंसिल कर देते, कल ही कैंसिल कर देते ताकि हम दूसरा प्रॉपर्टी देख सकते हैं. अभी तुम बोलोगे तो कैसे चलेगा ये बताओ तुम मेरे को. मैं कल ही आपका फेब से मैसेज आया था मुझे कि सर प्लीज पे द अमाउंट अदरवाइज यू आर गोइंग टू कैंसिल दिस राइट, तो मैंने पे कर दिया. ठीक है, जब तुमको पे किया तुमको आधे घंटे के बाद पता चला होगा, एक घंटे के बाद पता चलेगा, रात को ही पता चलेगा. मन मना रात को भी कैंसिल मैसेज कर देते कि सर हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं है. अब मुझे एक मिनट दीजिए, मैं होटल से एक बार बात कर लेता हूं ना. अगर आप कोशिश करूंगा कि रूम प्रोवाइड करा दिए जाए वो पारा तो मैं जरूर आपको रूम प्रोवाइड करवाऊंगा सर. ओके, लाइन पर बने रहिएगा. दो आदमी से बात हो गया, दोनों काट रहे हैं फोन. पहले कंफर्म करिए ना, अगर नहीं होता है तो कैंसिल करके रिफंड का मैसेज कर दीजिए हमको. बुकिंग का है मेरा, यहाँ पर बुकिंग था, ये लोग बोले कि रूम नहीं है. जी कितने लोगों को, आपके कितने कस्टमर केयर को बोलेंगे? दे आर नॉट लिसनिंग, जस्ट कट द कॉल. No, that is okay, but when... will be able to address you in calling. Press 1 for very good. They're not responding properly only. And 3 for very bad. Very bad. कोई और जगह देखना पड़ेगा अभी. गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं प्रॉपर्टी पे, अब हम लोग रूम में जा रहे हैं. रूम तो हमने देख लिया, रूम इज फाइन, अच्छा है. तो सारा फॉर्मेलिटीज हो गया राजा? निकाल दो, बहुत भारी है. मैं इतना गर्म कपड़ा लेके आई थी ये सोच कर कि पता नहीं कितना बर्फ़ वाला ठंडा पड़ेगा इधर. देखो देख रहे हैं आप, कितना धूप है, अनएक्सपेक्टेड. सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन. टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय.